आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिर्ची के पौधे के बारे में। सर्दियों के मौसम में मिर्ची के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल कैसे पाएं। तो दोस्तों, जो हमारा मिर्ची का पौधा है उस पर मड़ोरिया रोग आ चुका है, तो सर्दियों के मौसम में यह बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो मड़ोरिया रोग की पहचान क्या होती है? जो मिर्ची के पौधे पर पत्तियाँ आई हुई हैं वह ऊपर की तरफ मुड़ी हुई दिखेंगी, तो मड़ोरिया रोग की यही पहचान होती है। यदि दोस्तों इसी प्रकार से आपके भी मिर्ची के पौधे पर मड़ोरिया रोग आ चुका है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिससे आपके भी मिर्ची के पौधे पर मड़ोरिया रोग जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव गार्डन टिप्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस मिर्ची के पौधे पर काफ़ी ढेर सारी मिर्ची आई हुई हैं, पर इस मड़ोरिया रोग की वजह से इस मिर्ची के पौधे पर छोटी छोटी मिर्ची आ रही हैं और इस मिर्ची के पौधे की जो ग्रोथ है उसमें बहुत ही ज़्यादा रुकावट हो चुकी है। और इस मड़ोरिया रोग की वजह से जो मिर्ची का पौधा है वह ग्रोथ अच्छी तरीक़ा से नहीं कर पाता है और पौधा वहाँ की वहाँ ही रह जाता है। तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं मिर्ची के पौधे की केयर के बारे में। मिर्ची के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे मिर्ची के पौधे पर ढेर सारी मिर्ची आने लगे? तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने मिर्ची के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो आपके मिर्ची के पौधे की रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं और आपका मिर्ची का पौधा धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है। और गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने मिर्ची के पौधे में पानी भी यूज कर देना है। पानी आपको उतना ही यूज करना है जिससे आपके मिर्ची के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, अब हम आ चुके हैं मिर्ची के पौधे की रूट्सों की ओर। तो मैंने यहाँ पर इस मिर्ची के पौधे की गुड़ाई कर करके पहले से ही रेडी कर चुका हूँ। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं खाद और फर्टिलाइज़र के बारे में। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर गोबर की खाद ली है। इस गोबर की खाद को मैंने यहाँ पर 50 ग्राम की ली है। तो चलिए दोस्तों, इस गोबर की खाद को इस मिर्ची के पौधे में चारों तरफ डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस गोबर की खाद को डाल करके भी तैयार कर दिया है। और जो दूसरी चीज़ ली है वो मैंने यहाँ पर DAP ली है। DAP को मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग ली है। इस DAP को भी डाल करके तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस DAP को भी इस मिर्ची के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई की थी, इसमें चारों तरफ डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो चलिए जल्दी से मैं इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से इस सॉइल में मिक्स कर करके भी तैयार कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से इस सॉइल में मिक्स कर करके भी तैयार कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक बर्तन में छाछ ली है, इसे कई जगह मट्ठा भी बोल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस छाछ को आधा लीटर लिया हुआ है। और इस आधा लीटर छाछ के साथ साथ जो मैंने दूसरी चीज़ ली है उसे भी मैं बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया हुआ है। इस हल्दी पाउडर को 10 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से मैं इस हल्दी पाउडर को इस छाछ में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। और इस छाछ में हाथ की सहायता से इस हल्दी पाउडर को घोल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस छाछ में इस हल्दी पाउडर को घोल करके भी तैयार कर दिया है। और जो हमारा फर्टिलाइज़र है वह पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए जल्दी से मैं इस मिर्ची के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें इस फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस मिर्ची के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों, आप इतना काम कर लेते हैं तो आपके भी मिर्ची के पौधे पर से जो मड़ोरिया रोग आया हुआ है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा और आपका मिर्ची का पौधा मिर्चियों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते किसी नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए थैंक यू।